और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र से, जहां पर ट्रैक्टर ट्राली से टकराई बाइक, बाइक आई ट्रैक्टर ट्राली के नीचे। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के सहनिया विद्यालय के पास से है, जहाँ पर बच्चे का दवा उपचार कराने जा रहे पति पत्नी सड़क हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें, पति पत्नी को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी ठोकर। इस हादसे में बच्चे सहित पति पत्नी भी हुए चोटिल। एम्बुलेंस की मदद से पति पत्नी और बच्चे को भेजा गया अस्पताल। कोतवाली भिनगा क्षेत्र के सहनिया विद्यालय के पास का यह सड़क हादसा, जहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में बाइक आ गई और ट्रैक्टर ट्राली जहाँ पेड़ से टकराई, वहीं बाइक ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आ गई। इस हादसे में बाइक पर सवार बच्चे समेत उसके माता पिता घायल हुए। स्थानीय लोगों के जमा होने के बाद इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। भिनगा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर यह सड़क हादसा सामने आया। बताया जा रहा है इसमें बच्चे का दवा उपचार कराने जा रहे पति पत्नी बच्चे समेत घायल हुए हैं। ये बताएं, ये कितने बजे लगभग एक्सीडेंट हुआ और ये कैसे हुआ? डेढ़ बजे कैसे एक्सीडेंट हुआ? अभी उधर से आ रहा था, इधर से बाइक वाला जाता है, ब्रेक था ना, उसमें आगे सीधा धक्का से मार दिया और लेके आगे खींच के पहुंचा दिया। कितने लोगों को चोट लगी है? दो लोग को। बाइक वाले को चोट लगी है, ट्रैक्टर वाले को? नहीं, बाइक वाले को, ट्रैक्टर वाले को नहीं। कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पे एक लेडीज थे, दो जेंट्स थे, एक बिटिया थी। अच्छा, छह सात नहीं, जानकारी मिली है तीन लोग थे, एक लड़की भी थी, छह साल की। जी जी। क्या जो महिला थी और जो गाड़ी चला रहे थे बाइक, उनको कैसे चोट, ज्यादा चोट लगी है या? नहीं, ज्यादा चोट लगा है, जो चला रहा था उसको थोड़ा लगा है, बाकी जो दो पीछे बैठे थे लेडीज, वो उसको ज्यादा लगा है।